बच्चों। अच्छा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं अद्भुत ब्लॉग्स का एक और नया एपिसोड। तो जी हाँ दोस्तों, आज है सुबह का दिन और फिलहाल मैं हूँ घर के ऊपर, मतलब घर के अंदर, और फिलहाल जो है मैं बना रहा हूँ नाश्ता अपने लिए, क्योंकि मैं भी जस्ट थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट काम था जो मैंने कर लिया है, एक और इम्पॉर्टेंट काम है जो मैं अब नाश्ता करने के बात करूंगा और वो मैं आपको फिलहाल नहीं बताऊंगा। तो अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मेरी बीवी है वो घर से जा चुकी है ऑफिस के लिए, और वो उसने मुझे बोला था कि मैं बर्तन धो के चली गई हूँ, तो अब अपने लिए नाश्ता बना लेना स्वयं ही। तो मैं वही फिलहाल काम कर रहा हूँ जो आपको दिखा देना चाहता हूँ कि चाय मेरी ऑलमोस्ट रेडी है। ब्रेड मैं यहाँ पर अपनी सेक रहा हूँ, और ये एक्चुअली ये जो चीज़ है ब्रेड सेकने वाली, ये दिव्या ने अपने भाई को गिफ्ट करी थी, लेकिन ये ज़्यादातर मैं ही यूज़ करता हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा कि ये अब मेरा गिफ्ट हो गया है कि रोहित का है। ब्राउन ब्रेड अक्सर मैं खाता हूँ, तो मैं आज भी वही खा रहा हूँ, और साथ में यहाँ पर मेरे दो बच्चे चैम्प और मैगी जो है मौजूद है मेरे साथ, और कहीं ना कहीं बटर ब्रेड ये भी खाएंगे मेरे साथ, क्योंकि ये हर बार मेरा हिस्सा खाते ही खाते हैं, बिना खाए ये रहते नहीं हैं। तो चाय लगभग हमारी बन चुकी है, चाय को कर देते हैं बंद, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर हमारा मक्खन मौजूद है, मक्खन और चीज़ मौजूद है, जिसमें से हम चीज़ को हाथ भी नहीं लगाएंगे, हम मक्खन को खाएंगे खाली। वैसे मैं आपको बता दूं कि मक्खन खाना मैंने बीच में बहुत कम कर दिया था, क्योंकि मुझे पता चला था कि मक्खन से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, और मेरा धीरे धीरे बढ़ भी रहा था एक टाइम पे, तो मैंने बंद कर दिया था। फिर मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल जब नॉर्मल हो गया, तो मैंने मक्खन को दोबारा से थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया है। तो अभी फिलहाल ब्रेडें बाहर आने वाली हैं, बाहर आने का समय हो रहा है ब्रेडों का, और कई बार होता यह है कि ब्रेडें झटके से बाहर आ जाती है और बाहर वो गिर जाती है निकल के, इसलिए मैं यहाँ पे हाथ से लगा लेता हूँ हल्का सा, या फिर ये तो प्लास्टिक है पिघल जाएगा। क्या लगाऊँ, ब्रेड ही लगा देता हूँ। तो ऐसे लगा दिए ये, अब देखते हैं अगर ब्रेड ऊपर आएगी तो ये ब्रेड उछलेगी या नहीं उछलेगी। कम ऑन, आ जाओ ऊपर ब्रेडो, जल ना जाए, कम कर देता हूँ थोड़ा। ओ भाई साहब, देखो वाली ब्रेड उछल के गिर गई वहाँ पे, और ये यहाँ पर है, और थोड़ी अच्छे सीख गई है। खैर बढ़िया है, मज़ा आ गया। तो फिलहाल मैं करता हूँ स्टार्ट अपने नाश्ते को, और मिलता हूँ आपसे अपनी अगली चाय में। तब तक के लिए आप भी कीजिए वही जिससे आपको खुशी मिलती हो। बाय। सो दोस्तों, अपनी छुटकी का जो है वो दूध हो रहा है गर्म, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट ये गर्म हो गया है। इसमें हम ब्रेड भी डालेंगे ले जा करके, और अभी मैं बाहर निकलूँगा तो फिलहाल मैं चैम्प को यहाँ बांध दूँगा, मैगी को यहीं छोड़ देंगे खुला, और मैगी तो आराम से रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर चैम्प को यह समय बांधना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा शैतान है, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा शैतान है। तो दोस्तों, अपनी छुटकी का खाना लेके मैं आ चुका हूँ, और फिलहाल ये अंदर बैठी है, और मेरी आवाज़ सुनते के साथ ही, हो भाई साहब परिवार सहित बाहर। हाँ भाई, तुम तो सारे के सारे बाहर आ गए, अब तुम धीरे धीरे सब पहचानने लगे हो हमें, है ना? तू तो पहचानती ही थी, तेरे तो मुझे पता ही है, तेरे बच्चे भी जान गए अब तो, अब क्या होगा इनका, अभी तो हमारे पीछे पीछे घर तक आएंगे बेटा। तो फटाफट से इनका खाना खिलाते हैं इनको, और फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली चाल में। और गाइस, यहाँ पर ना आपको मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि ये जो बहुत छोटा सा एक काम है ना, 28 रुपये की मात्र दूध की थैली ला के थोड़ा सा गर्म करके उसमें 10 रुपये की एक ब्रेड का सिर्फ एक पार्ट डाल करके, एक चौथाई यानी कि 3-4 ब्रेडें डाल के अगर आप किसी भी डॉग को खिला दोगे ना, तो एटलीस्ट उसका एक वक्त का पेट भर जाएगा, और वो आपको इतनी दुआएँ देगा कि उसकी दुआओं से जो है ना आपको अपने अंदर में एक सुकून महसूस होगा। और यकीन ना हो तो करके देख लो, बहुत ही सस्ता और बहुत ही बढ़िया सौदा बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा सस्ता सुकून आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, करके देख लेना एक बार ट्राई भाई, मैं तो हर रोज़ करता हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है। और यार मेन रीज़न पता है क्या है, मेन रीज़न है ये, ओ कहाँ गई, इधर आ बाबू, इधर आ भैया पाँच आ जा मेरा बेटा, आ जा इधर, कम यार इधर आओ, घूम के आओ, आ जा, क्या हो रहा है इधर, हाँ बता मुझे, बता शिकायत क्या हुई, दो बच्चे गायब हो गए तेरे हैं,
दो बच्चे तेरे चले गए बेटा, दो बच्चे बहुत अच्छे घरों में चले गए, बहुत खुश हैं वो दोनों, पता है उनकी फोटो भी आती है हमारे पास, उनमें से एक की तो नाई नाई भी हो गई, तो खुश है। और दोस्तों जो लोग ये सोच रहे थे ना कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा शायद खाती पीती नहीं है, ये खाती है ठीक ठाक, बट अभी क्योंकि बच्चे इसका सारा दूध पी जाते हैं तो इसके अंदर प्रोटीन की थोड़ी ना कहीं कमी रहती है। बाकी हेल्दी बच्चा है, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, जितना हमसे बन पड़ रहा है हम लोग कर ही रहे हैं और हम रख रहे हैं ख्याल जितना हमसे हो सके, तो थोड़ा सा बेफिक्र रहे हैं और बस इसी तरह सपोर्ट करते रहें, वीडियोज़ को हमारी लाइक और शेयर करें ताकि इन बच्चों को जल्द से जल्द अपने अपने लिए घर मिल जाए। बाय बाय। नो और मैं घर आ चुका हूँ, मैंने घर आते चैम्प को खोला और खोलते के साथ ही ये दीवाना सा हो गया। ओए हटो उसमें से, सालू बर्तन गिरा दिए, रुक तो जा। हाँ मुझे पता, खुशी मिली तेरे को खोलने के बाद। तो दोस्तों अपने पास जो है एक बिस्किट का पैकेट है, तो मैंने सोचा कि जब बिस्किट खिला ही रहा हूँ तो सिर्फ मैगी और चाय पी क्यों, अपन जो है बिस्किट ऑस्कर को भी खिलाएंगे। मिला आज को, हाँ मिला बेटा, बिस्किट खा बिस्किट खा, देखियो टूट गया। सेट ऑस्कर, सेट गंदी बात, सेट ऑस्कर, सेट बिस्किट 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 बाबू, बिस्किट बिस्किट कहाँ आएगा, लो शैम्पू बुन्नू, बिस्किट कहाँ आएगा, मैं बुन्नू ले मेरा बेटा, ले 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 चुपचाप से भग जा भग जा भग जा, खा ले। मैगी हरकत करी ना, अब देख मैं क्या करता हूँ, रुक जा तेरे बकरे बनाऊंगा, रुक जा। डंडी कहाँ है, हमें बुन्नू को मारा ना, रुक जा बुन्नू, रुक जा देख तेरा बदला लेगा, तेरा भाई तेरा बदला लेगा, रुक जा देख। ये मिल गई संटे, किसने मारा बुन्नू को, अब बुन्नू मारेंगे मैगी को, छुप गई देखो छुप गई, किसने मारा, किसने मारा बुन्नू को, हैं तुझे क्या लगता है तू छुप जाएगी, हैं मेरे बुन्नू को मारा, मेरे बुन्नू को मारा, मेरे बुन्नू को मारा, हैं मेरे मेरे बुन्नू को मारा, बुन्नू हट जा, तो हट जा, तुझे इसलिए इसलिए हमने इतने इतना लाड प्यार के करके बुलाया है कि तू मेरे बुन्नू को मार, रुक जा तू, तू रुक जा, अभी तेरे को मारा ना इसने, तू ना तेरा भरता बना दूंगा, मारा तो बुन्नू का ध्यान रख लियो। बिस्किट के ऊपर और का दिखा दी अपनी, अब बुन्नू को खिलाऊंगा, खिलाऊंगा नहीं तेरे को, चा बुन्नू ले तो खा ले बेटा, तो अच्छा बच्चा, मैं बुन्नू एक बिस्किट भी नहीं खान दी मैं बाबू को, हाँ खा ले, तू निकल यहाँ से, निकल घर से मेरे, कंजड़ कहीं की, तू तो कुछ खाएगा ही नहीं है ना, ले तू ऐसे खा, तेरा ही बिस्किट है ये, खा लो, खाया मैं बच्चे ने नहीं खाया, हट जा टेम्पो हट जा, खा तू, मैं हूँ यहाँ पे, तेरे को तो मिलेगा ही नहीं, अब जा यहाँ से जंगली,
मैं बुन्नू है, बुन्नू को मारा जाता है ना, सब मिलके मारते हैं सीधे साधे बच्चे को मेरे, मैंने बुच्चो है इसलिए थोड़ी खोला था भैया ने पिटने के लिए है ना, मारा मैंने मैगी को। खुश हुआ तू, अच्छा लगा तुझे? हमारे घर में ये हमारे घर में ये एक बड़ा इशू है जहाँ पर बुन्नू को कई बार मार लग चुकी है मैगी से, ऑस्कर से। चैंप खैर नहीं मारता है, चैंप अच्छा बच्चा है, अगर मारेगा तो उसको मैं भरता बना दूंगा इसका भी। शरीफ है ना बुन्नू हमारा, ना 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 ना, मेरा बाबू है, मेरा बाबू है, ये हमारे घर का सबसे शरीफ बच्चा है। तो दोस्तों पिट पिट आके इस लड़की को आ गई है अकल, अभी अपना खाना खा रही है बड़े आराम से, बच्चे वहाँ दोनों खड़े हुए हैं। तो फिलहाल अपने इस वाले छोटे से ब्लॉग को करता हूँ मैं भी यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे हमें अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, हमारे चैनल पर पैसा बनेगा, तो वो सारा पैसा जो है मैक्सिमम उसमें से पैसा जो है मैं प्लानिंग कर रहा हूँ अच्छे कामों में लगाने की, और वो सारे अच्छे काम आपको हमारे चैनल पर, YouTube चैनल पे और Instagram पेज पे जो है ज़रूर देखने को मिलेंगे। आई होप कि आप लोगों को ऑलरेडी कुछ काम पसंद आ रहे हैं और आगे भी बहुत सारे काम पसंद आएंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा इसे।